फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफस्टाइल बाय अफसाना। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ बाजू का डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पतली सी इलास्टिक ले लेनी है आप लोगों को, और नॉर्मल जो बाजू कटता है वैसा ही ये बाजू मैंने काटा है। बस इसके बीच में इस तरीके से नाखून से कर लें ताकि बीच का हिस्सा आपको पता चले, और या फिर चौक मिट्टी के सहारे इसमें निशान भी लगा सकते हैं। मैंने इस तरह कर लिया, अब पता चल जाएगा बीच का हिस्सा कौन सा है। तो ये सीधा एरिया है, इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद ये इलास्टिक है उसको यहाँ से दबा के सिलना है। उसके बाद से इसको ऐसे खींचना है, फिर इसमें सिलाई लगा लेनी है। और अगर उधर से कपड़ा मुड़े तो उसको ऐसे पकड़ के रखें ताकि इसके अंदर ना जाए। देखिए एंड में एक इंच जैसा इसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे इसको मोड़ के ऐसा सिलना है ना, इसलिए यहाँ तक ही इसको लगाएंगे। इलास्टिक को ऐसे खींच लें और कट कर लें। उसके बाद से इसमें सिलाई लगा लें। देखिए हो गया, पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसको ऐसे फोल्ड करके सिल लेना है। इतना फोल्ड करना है कि ये रबर अंदर कवर हो जाए ये इलास्टिक। ये देखिए मैंने इसको ऐसा सिल लिया है, और इसमें मैं डोरी लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो इसमें डोरी सिल के पलट के भी डाल सकते हो, पर मैं वो जो डोरी वाला लेस मिलता है उसको ख़रीदा है। 1 मीटर है, इसको हाफ मीटर में कट कर लेते हैं। उसके बाद से आपने इसको ऐसे रखना है, बराबर से यहाँ पे पकड़ लेना है। इससे 5 इंची इसको नाप ले, 5 इंच तक इसको अच्छे से पकड़ लें दोनों साइड को। उसके बाद से जो ये एरिया बचा है इसको ऐसे पलटना है, तो फ्लावर के जैसा इसको बनना चाहिए इसमें। अब इसको ऐसे रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लटकन जैसा दे देना है, वो मैं रेड कलर का दे रही हूँ। इसको मैंने ऐसे काट लिया है। अब इसको ऐसे पीछे साइड रख के इसको ऐसे सिल लेना है। ये यहाँ तक रेडी हो गया। अब इसमें एक फ्लावर बना के बैठाने वाली हूँ ऊन का, और उसको मैं बाद में बिठाऊँगी, पहले इसको सिल लेते हैं। ऐसे करके बाजू को रेडी कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको अटैच कर लिया, यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको सूट में बैठा लें अच्छे से। मैंने एक बाजू को रेडी कर लिया है। बाजू को मैंने कैसे बनाया वो मैं आप सभी के सामने बना के दिखाऊंगी। तो चलिए एक पेन ले ले और 2 प्लाई का ऊन ले ले, डबल लेयर करके। अब इसको ऐसे पेन में फंसा के इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। ये कंप्लीट हो गया लगभग। अब इसको अच्छे से निकाल लेना धीरे से, और एक कोने में एक साइड इसको निकाले और एक साइड उसको पकड़ के काट बांध ले अच्छे से। इसको कट कर लें जो एक्स्ट्रा बचा है। मैंने इसको काट लिया। अब एक जो बाजू है उसको रेडी करना है।
ये मैंने हाफ रेडी करके रखा था, इसमें अटैच करके अब इसको सुई धागे से ये करना पड़ेगा आप सभी को। एक वहाँ घुसाना है, एक इस साइड पे इसको खींच लेना है, सेम जिस तरह इधर किए हैं उस तरह इस साइड वाले को भी इसी तरह खींच लेंगे। और नीचे से जो हिस्सा था उसको भी एक बार घुमा के उसको भी ताकना है एक बार। इसको यहाँ से उठा करके इसमें से घुमा के नीचे से ऊपर ले जाना है। अब इसको भी टक ले। देखिए इसको मैंने टक लिया है। अब इसके ऊपर जो फ्लावर बनाया था ये ऊन का, इसको यहाँ पे टक लेंगे। बाजू हमारा तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।